कजाकिस्तान में आयोजित एशियन पारा रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पांचवा स्थान पाने वाले दरभंगा के दिव्यांग साइकिलिस्ट जलालुद्दीन अंसारी का सोमवार को रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। मानव सेवा समिति और विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से जलालुद्दीन को मिथिला पाग और चादर देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान ने जलालुद्दीन अंसारी को 2022 का मिथिला विभूति सम्मान देने की घोषणा की। दिव्यांग साइकिलिस्ट जलालुद्दीन ने बताया कि तजाकिस्तान में 12 देशों के प्रतियोगी पारा रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने पहुंचे थे। इस प्रतियोगिता में वे पहली बार खेल रहे थे, इसलिए कुछ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से उन्हें पांचवा स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में भारत की महिला साइकिलिंग टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत को कुल मिलाकर 3 पदक इस प्रतियोगिता में मिले हैं। जलालुद्दीन ने कहा कि आगे वे 2024 में पेरिस पैरालंपिक खेलों की तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि वे इसमें देश के लिए गोल्ड मेडल जीत सके। जलालुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार करने में आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संस्था मानव सेवा समिति के सदस्य उज्जवल कुमार ने कहा कि एक समय था जब जलालुद्दीन के पास अच्छी रेसिंग साइकिल तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सहयोग और सरकारी मदद से उन्होंने जलालुद्दीन के लिए 2,00,000 की रेसिंग साइकिल उपलब्ध कराई थी। एशिया में जाकर के पांचवा स्थान पाकर के बहुत खुशी है और मेरा ये फर्स्ट टाइम था इंटरनेशनल खेलने का मौका जो मिला, ये फर्स्ट टाइम था। वैसे तो मैं तो कोशिश करके गया था कि कुछ फर्स्ट सेकेंड कुछ भी करना है, लेकिन फर्स्ट टाइम होने की वजह से कुछ थोड़ी बहुत कमी होने की वजह से इस टाइम पे मेरा वो पांचवा पोजीशन आया और मैं कोशिश करूँगा कि आगे बहुत अच्छा करना है। हाँ, आगे और भी प्रतियोगिताएं होने वाली है, जैसे अभी कुछ ही दिनों के बाद एक ट्रैक की रेस होने वाली है, तो खैर वो इंडिया में ही होगी, लेवल वही होगा, एशियन चैंपियनशिप ही होगा ट्रैक का, लेकिन वो इंडिया में ही होना है इस बार। तो इन सब में पार्टिसिपेट करना और इन सब को खेलते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे पैरालंपिक 2024 का पेरिस ओलंपिक खेलना है मुझे और उसमें गोल्ड हासिल करना है। ये अभी तो वहाँ उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और यूएई, ऐसे अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, कुल मिला के 10-12 देश थे वहाँ। तो उन सब में जो है सो अभी इंडिया से हम लोग 6 प्लेयर गए हुए थे, 6 प्लेयर में हम लोगों के इधर 3 मेडल आया, एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज। मतलब इंडिया ने गोल्ड जीता? हाँ, एक गोल्ड जीता अपने कैटेगरी में। किस इवेंट में? साइकिलिंग में ही, फीमेल कैटेगरी में। सरकार को इसके लिए आगे आना होगा और इसका प्रॉपर ट्रेनिंग और डाइट की व्यवस्था स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत हो ताकि इसका प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, और प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के जब ये जाएगा तो आज जैसे ये पांचवें स्थान पे आया है तो निश्चित रूप से ये पहले या द्वितीय स्थान से चूकेगा नहीं। शुरुआती दौर में सबसे पहले इसको आवश्यकता थी एक रेसिंग साइकिल की, जो कि लगभग 2,00,000 रुपए का आया, तो उसमें सामाजिक सहयोग हम लोगों ने एपेक्स फाउंडेशन और मानव सेवा समिति की तरफ से इसके लिए सहयोग अभियान निकाला, बाद में DPMI ने स्पॉन्सरशिप की। ये एशियन पैरा रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के लिए तजाकिस्तान गया, तो भारत सरकार ने जाने आने और आने जाने की पूरे खर्चा की। इस न्यूज के प्रस्तुतकर्ता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।